स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों हैवी एयर पॉल्यूशन से जूझ रही है। हर साल की तरह इस साल भी स्विस ग्रुप आईक्यू एयर द्वारा कंपाइल्ड वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में देश की राजधानी टॉप पर है। लगभग पिछले दो दशकों से दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिवली कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब होती ही जा रही है। अक्सर लोग दिल्ली के इस पोल्यूशन का मेजर कॉज नेबरिंग स्टेट्स के किसानों द्वारा पराली जलाने को मानते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन की एक बड़ी वजह यहां की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएसई की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कैपिटल में एयर पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह व्हीकल्स हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली में PM2.5 लेवल्स में व्हीकल्स का करीब 51% कंट्रीब्यूशन था। वही दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली पॉल्यूशन के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 8 नवंबर 2023 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार्स को छोड़कर रजिस्टर्ड व्हीकल्स का टोटल नंबर 20,74,194 था। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर कितने व्हीकल्स डेली रन करते हैं, जबकि दूसरे स्टेट से आने वाली गाड़ियों की संख्या इससे अलग है। यही वजह है कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए समय समय पर ऑड इवन जैसी स्कीम्स और मेजर्स उठाए जाते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके लिए दिल्ली वासियों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना होगा, और उस दिशा में मेट्रो एक बेहतर अल्टरनेटिव साबित होती है। पॉल्यूशन की समस्या से लेकर फास्ट, कंफर्टेबल और वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। पॉल्यूशन के इशू पर हियरिंग के दौरान मेट्रो की अहमियत को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से इशू है, भगवान जानता है कि यदि मेट्रो नहीं होती तो क्या होता। हालांकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी अभी भी एक मुद्दा है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन के साथ ही नेशनल कैपिटल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदली है। मेट्रो ने नेशनल कैपिटल रीजन के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजियर किया है। DMRC को यूनाइटेड नेशंस द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन क्रेडिट हासिल करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट मेट्रो रेल और रेल बेस्ड सिस्टम के तौर पर सर्टिफाई किया जा चुका है। दिल्ली मेट्रो ने सिटी के पॉल्यूशन लेवल को हर साल 6.3 लाख टन रिड्यूस किया है और ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में हेल्प की है। साथ ही आज दिल्ली मेट्रो अपने 10 लाइंस के थ्रू दिल्ली NCR में डेली 60 से 70 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, जो देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। आज के डिस्कशन में दोस्तों, हम दिल्ली मेट्रो के सभी ऑपरेशनल रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे और उनको एनिमेशन के माध्यम से लोकेट भी करेंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली मेट्रो के अब तक के सफर पर भी निगाह डालेंगे। दोस्तों, मेट्रो आज भारत की सबसे मेजर सिटीज की जरूरत बन चुकी है। यही कारण है कि आज देश की 20 प्लस सिटीज में करीब 900 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल है। इनमें दिल्ली और 7 NCR सिटीज, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर और पुणे जैसे नाम शामिल हैं। वैसे देश में फर्स्ट मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जहां 1971 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के तहत कोलकाता में मेट्रो की प्लानिंग की गई थी और उसके 13 साल बाद यहां मेट्रो रेल ऑपरेशनल हुई। लेकिन यदि दिल्ली की बात करें तो यहां कोलकाता से पहले ही मास रैपिड ट्रांजिट की परिकल्पना 1960s के अराउंड कर ली गई थी। हालांकि इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी सैद्धांतिक मंजूरी 1994 में मिली, जिसके बाद वर्ल्ड क्लास मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम MRTS के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DMRC की स्थापना की गई। गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD और सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 3 मई 1995 को इसे रजिस्टर किया गया था। देश की राजधानी में मेट्रो रेल के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी ई श्रीधरन को दी गई और उन्हें DMRC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ई श्रीधरन ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया, इस वजह से उन्हें मेट्रो मैन भी कहा जाने लगा। हालांकि DMRC के फाउंडेशन से पहले ही रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड रेल इंडिया ने MRT पर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार कर लिया था। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के सेटअप के एक साल बाद मेट्रो प्रोजेक्ट को फॉर्मली सैंक्शन किया गया था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू हो सका। फाइनली फंडिंग के फाइनल अमाउंट के अप्रूव होने के बाद अक्टूबर 1998 में दिल्ली में मेट्रो सर्विस के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ और करीब 4 साल बाद DMRC ने 25 दिसंबर 2002 को अपना फर्स्ट कॉरिडोर ओपन किया।
तब शहादरा और 30,000 के बीच 8.2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ओपन की गई थी। इसके बाद 65 किलोमीटर के मेट्रो लाइन के कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज 2005 में शेड्यूल से 2 साल और 9 महीने पहले पूरा हो गया। इसके बाद डीएमआरसी ने सेकेंड फेज के तहत 125 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 4.5 साल में कम्प्लीट कर लिया। ओवर टाइम मेट्रो में वेरियस टेक्निकल चेंजेस लाए गए हैं, जिससे मेट्रो सर्विस और भी बेहतर हुई है। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी लाखों लोग इजिली मेट्रो सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं। इंडिया में मास अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक न्यू एरा की शुरुआत करने में दिल्ली मेट्रो की काफी इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। शानदार और आधुनिक मेट्रो सिस्टम ने भारत में फर्स्ट टाइम कंफर्टेबल एयर कंडीशन और इको फ्रेंडली सर्विसेज शुरू की, और उसने न सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन बल्कि पूरे देश में मास ट्रांसपोर्टेशन सिनेरियो को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनराइज कर दिया। मौजूदा वक्त में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 288 स्टेशन के साथ 392.44 किलोमीटर का है। सत्र डीएमआरसी का दायरा अब दिल्ली की सीमा पार कर उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ तक पहुंच गया है। दोस्तों, यदि दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशनल लाइंस की बात करें तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंडर 10 लाइंस ऑपरेशनल हैं। इनमें लाइन 1 जो कि रेड लाइन है, शहीद स्थल से इठाला के बीच 33.48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 29 स्टेशंस हैं, जिनमें 4 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 2 येलो लाइन है, जो समय पर बादली से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के बीच 47.25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 37 स्टेशंस हैं, जिनमें 8 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 3 ब्लू लाइन है, जो द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच 55.56 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 50 स्टेशंस हैं, जिसमें 10 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 4 ब्लू लाइन है, जो यमुना बैंक से वैशाली के बीच 8.23 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 8 स्टेशंस हैं, जिनमें 3 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 5 ग्रीन लाइन है, जो कीर्तिनगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह के बीच 27.96 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 24 स्टेशंस हैं, जिनमें 4 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 6 वायलेट लाइन है, जो कश्मीरी गेट से राजा नहर सिंह के बीच 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 34 स्टेशंस हैं, इसमें 5 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 7 पिंक लाइन है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच 57.49 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 38 स्टेशंस हैं, जिनमें 11 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 8 मेजेंटा लाइन है, जो जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन के बीच 34.12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 25 स्टेशंस हैं, जिनमें 4 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 9 ग्रे लाइन है, जो द्वारका से नजफगढ़ के बीच 4.98 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 4 स्टेशंस हैं, जिनमें 1 इंटरचेंज है। लाइन 10 एयरपोर्ट एक्सप्रेस ऑरेंज लाइन है, जो न्यू दिल्ली से यशभूमि द्वारका सेक्टर 25 के बीच 24.9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 7 स्टेशंस हैं, जिनमें 3 इंटरचेंजेस हैं। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत 65.19 किलोमीटर लॉन्ग 3 नए मेट्रो कॉरिडोर्स का काम तेजी से चल रहा है और इन कॉरिडोर्स में टोटल 46 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर्स में लाइन 7 यानी पिंक लाइन मुकुंदपुर से मौजपुर के बीच 12.558 किलोमीटर का स्ट्रेच डेवलप किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 8 स्टेशन होंगे, जबकि लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन में विकासपुरी पार्क रैम से आरके आश्रम तक 28.92 किलोमीटर का स्ट्रेच डेवलप किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 22 स्टेशन होंगे। वहीं लाइन 10 यानी सिल्वर लाइन के तहत एरोसिटी से तुगलकाबाद के बीच 23.622 किलोमीटर का स्ट्रेच डेवलप किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 16 स्टेशंस होंगे। फेज 4 का बिगेस्ट अट्रैक्शन डबल डेकर वायाडक्ट होगा और ये दिल्ली में फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। इसके लोअर लेवल पर फ्लाईओवर होगा, इस पर से गाड़ियां निकलेंगी और अपर लेवल पर मेट्रो का एलिवेटेड वायाडक्ट होगा, जबकि सबसे नीचे रोड या सरफेस लेवल होगा। फेज 4 में पिंक लाइन और सिल्वर लाइन पर ऐसे 2 डबल डेकर वायाडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। फेज 4 के 2027 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं जब ये फेज ऑपरेशनल हो जाएगा तो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 450 किलोमीटर से ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जो कि दिल्ली के ट्रैफिक को ईज करने और पोल्यूशन को रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली मेट्रो की और उसका एक फुल रूट मैप एनिमेशन के माध्यम से। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने दिल्ली में सबसे ज्यादा किस लाइन पर ट्रैवल करा है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।